हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम देखेंगे कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि दो पॉइंट मास को फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, उसका वैल्यू क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसी तरह यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यदि दो चार्ज को फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स, कितना होगा, वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, ये जो अभी हम रिजल्ट पढ़ेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है, फिगर आउट किया गया है। जैसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपसे कोई पूछे तो ये जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली, दिस लॉ हैज़ बीन डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली। सिमिलर वे से दो पॉइंट चार्ज के बीच, यदि दो पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज देखना ध्यान से, दो पॉइंट चार्ज किसी, दो पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फ्री स्पेस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वैकुम, ठीक है। यदि दो पॉइंट चार्ज को फ्री स्पेस में फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया गया है, ठीक है, समझ में आया ना, फिक्स डिस्टेंस क्या, आर पे रखा गया है, कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज याद रखना है, और रेस्ट में रख दिया गया है। तो कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये फिगर आउट किया और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मैं सी भी लिख सकता हूँ, सी स्टैंड फॉर कूलम फोर्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ई भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उनको फ्री स्पेस और वैक्यूम में आर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि बेटा आप दोनों इक्वेशन से आप यदि लिखो तो बोल सकते हो कि एफ कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस विल बी इक्वल टू, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एफ क्या लिखेंगे, एफ सी, सी स्टैंड फॉर कूलम फोर्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कूलम कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दो पॉइंट चार्ज के बीच यदि आपको चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि सोर्स चार्ज और क्या होगा, अलवेज क्या होगा, रेस्ट में होगा, समझ में आया ना। तो दो पॉइंट चार्जेस यदि रेस्ट में फ्री स्पेस में रखे हुए हों तो उनके बीच जो कूलम फोर्स होता है वो के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। वेयर दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कूलम कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है ये याद रखना है, इसका वैल्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ कूलम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई फोर
पाई इप्सिलन नॉट और इप्सिलन जीरो इसको पढ़ते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 9×10⁹ मीटर फैराड। ये बाद में आपको समझ में आएगा कि हमने यूनिट कैसे लिखा है। समझ में आया ना, इसका वैल्यू होता है तो जब कैलकुलेशन बेटा करना होगा तो हम 9×10⁻² क्या करेंगे, 9 याद रखेंगे के का वैल्यू, ठीक है, ऐसा यूनिट में। समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। इसको हम रीड कैसे करते हैं ये भी लिख देता हूं, रीड एस इप्सिलॉन नॉट एन ओ यू जी एस टी और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इप्सिलॉन जीरो, दोनों में से जो अच्छा लगे तुम लोग इसको इप्सिलॉन जीरो। समझ में आया, तो इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और रीड कैसे करेंगे, इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन जीरो, ठीक है बेटा। अब इसका वैल्यू जो होता है उस कितना होता है उसको बारे में हम देख लेंगे। समझ में आया ना, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच कूलम फोर्स जो होगा वो कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, केवल मैग्नीट्यूड कितना होगा उतना मैंने उसको लिखा है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, इप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.85×10⁻¹² फैराड पर मीटर, ठीक है। ये यूनिट कहाँ से आता है ये आपको बाद में मालूम चल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में सिमिलरिटी क्या है उसको मैं यहाँ आपसे आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों को मैंने ग्रेविटेशन इसलिए पढ़ाया था कि ग्रेविटेशन का आपको रिजल्ट याद है तो उसको इलेक्ट्रोस्टेट में हम कैसे कोरिलेट करेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ बेटा, फिर मैं यहाँ आऊँगा। देखो हमने बताया था कि दो यदि पॉइंट मासेस हैं M1 और क्या था M2 और उनको कितने सेपरेशन पे रखा गया है, R सेपरेशन पे, तो अकॉर्डिंग टू क्या मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ठीक है, क्या बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ध्यान से दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशन F g इक्वल टू क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, g m अपॉन क्या होगा, R2, ये बताया था। समझ में आई बात, तो देखो क्या रिलेट क्या चेंज हुआ है, g इज रिप्लेस बाय k, m1 m2 इज रिप्लेस बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q1 एंड q2, तो ये याद रखना है। जी का वैल्यू मैंने बताया था उस दिन क्या होगा, जी का वैल्यू 6.67×10⁻² क्या होता है, -11 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर kg², ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझ में आया क्या, तो कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ वैक्यूम या फ्री स्पेस इज गिवन एज k q1 q2 upon r square। हमने क्या बताया यहां बेटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब देखो यहां कुछ फोर्स के बारे में, हम कूलम फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया, तो रिजल्ट यही तुमको याद रखना है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग कूलम्स फोर्स और क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट क्या होगा, कल पे से थोड़ा इंक लाना इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि कूलम फोर्स बिटवीन क्या होगा, फोर्स क्या होगा,
कूलम फोर्स ऑलवेज ऑलवेज एक्ट एक्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्ट अलोंग क्या होगा कूलम फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ठीक है टू पॉइंट चार्जेस समझ में आया बेटा इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो कूलम फोर्स होगा वो क्या होगा ऑलवेज क्या होगा इन ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्ज के बीच उन्हीं के अलोंग क्या होगा लगेगा समझ में आया ना कि किधर लगेगा बेटा किधर लगेगा देखो ध्यान से ये पॉइंट चार्जेज हैं क्या है Q1 और ये क्या है Q2 ठीक है तो इन्हीं के बीच क्या हो सकता है इन्हीं के अलोंग मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ आई मीन ये फोर्स क्या होगा इन्हीं के अलोंग क्या होगा लगेगा ठीक है दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा कूलम फोर्स समझ में आया क्या इन्हीं के अलोंग क्या होगा लगेगा ठीक है दूसरा क्या हो सकता है कि कूलम फोर्स क्या होगा मे भी क्या होगा एट्रैक्टिव और क्या होगा रिपल्सिव सेकेंड पॉइंट लिख लेना है बेटा कि फोर्स क्या होगा अगला पॉइंट जो है क्या है एफसी मैं लिख रहा हूं बेटा एफसी मे भी क्या होगा मे भी क्या होगा एट्रैक्टिव ठीक है क्या होगा एट्रैक्टिव और क्या होगा रिपल्सिव ठीक है एट्रैक्टिव का मतलब क्या होगा रिपल्सिव का मतलब क्या होगा उसको हम देख लेते हैं ठीक है अब देखो यहाँ मैं तीन केसेस लिख देता हूँ पहले मैं लाइक चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ Q1 Q2 ठीक है इनको हमने क्या किया आर डिस्टेंस पे रख दिया समझ में आई बात यहाँ क्या है यहाँ माइनस Q2 और यहाँ मैंने क्या लिखा माइनस Q1 सही है यहाँ भी हमने क्या किया आर डिस्टेंस पे रख दिया कोई डाउट नहीं है लाइक चार्जेज हैं देखो लाइक चार्ज तो हमने ये पढ़ा था कि लाइक चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है अलविज क्या होता है रिपल्सिव नेचर का होता है क्या होता है बेटा रिपल्सिव नेचर का आई मीन मैं बोलूं कि Q2 पे Q1 का Q1 जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा तो क्या बताओगे इधर होगा देखो इसको मैं लिख रहा हूँ एफ टू वन फोर्स ऑन टू ड्यू टू क्या होगा चार्ज वन सिमिलरली इस पे यदि आप फोर्स लिखोगे वन पे इसका मतलब क्या होगा एफ ऑन वन ड्यू टू क्या होगा टू समझ में आया ना तो रिपल्सिव का मतलब क्या हुआ कि चार्ज बॉडी से क्या होगा फोर्स जो होगा वो क्या होगा अवे लगेगा समझ में आया ना पुश करना है ना एक जो चार्ज होगा दूसरे को क्या करेगा रिपल्सिव का मतलब क्या होगा कि उसको क्या करेगा पुश करेगा धक्का देगा बोले कि यार तुम उससे दूर जाओ मेरे करीब नहीं आओ ठीक है समझ में आया यहां बेटा अगेन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा देखो क्या होगा F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर याद रखना है समझ में आया सिमिलरली आप यहां भी देखोगे बेटा यहां भी फोर्स का जो नेचर होगा देखो ये लाइक चार्जेज हैं तो यहां भी F21 का जो डायरेक्शन होगा देखो टू पे वन जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा टू बोल वन जो होगा टू को बोलेगा तुम उसे दूर जाओ यार दूर जाओ पास मत आओ समझ में आया उसी तरह सिमिलर वे से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑन वन ड्यू टू टू क्या होगा रिपल्सिव यहाँ भी मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा बेटा अगेन मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ठीक है यहाँ मैंने मॉड नहीं लिया मॉड का मतलब ही क्या हुआ यहाँ केवल याद रखना है कि जब भी मैग्नीट्यूड रखो लिखो तो फोर्स को क्या करना है साइन के साथ में क्या करना है सॉरी चार्ज को साइन के साथ में नहीं लिखना है ठीक है समझ में आया बात अब यदि अनलाइक चार्जेज तो यहाँ क्या होगा लाइक चार्जेज का मतलब क्या होगा दोनों का नेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो उनके बीच जो कूलम फोर्स लगेगा वो क्या होगा रिपल्सिव नेचर का होगा एंड कूलम फोर्स विल ऑलवेज एक्ट along the line joining both the charges ये ध्यान रखना है समझ में आया बेटा ठीक है अब यदि क्या होगा opposite nature का होगा देखो ध्यान से यहाँ एक charges है ये मान लो कि क्या है plus Q2 है और यहाँ जो है क्या है minus Q1 है समझ में आया यही line joining क्या होगा दो charges अब attractive nature का मैं बोलूँ कि Q2 पे Q1 के द्वारा जो force लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा तो क्या बताओगे F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू क्या होगा
ऑन ड्यू टू वन चार्ज क्यू वन। तो देखो एट्रैक्टिव नेचर का मतलब क्या हुआ, उसको क्या करेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ, पुल करेगा। रिपल्सिव का मतलब पुश करना, एट्रैक्टिव का मतलब क्या होगा, पुल करना। ये ध्यान रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो एफ क्या होगा, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या होगा, देखो यहाँ एट्रैक्टिव नेचर का है। लेकिन यहाँ भी देखोगे कि जो फोर्स लग रहा है दोनों लाइन, दोनों जो चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग लग रहा है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ वन टू इक्वल टू एफ टू वन इक्वल टू क्या होगा, के, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में भी क्या होगा, अट्रैक्टिव और क्या होगा, रिपल्सिव। यहाँ क्या है बेटा, जब लाइक चार्जेज होगा तो क्या हो रहा है, देखो लाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव हो रहा है, अनलाइक चार्जेज है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। समझ में आया। तो यहाँ ये नोट में मैं लिख देता हूँ फिर से कि कूलम फोर्स बिटवीन क्या होगा, लाइक चार्जेज विल बी ऑलवेज क्या होगा, रिपल्सिव। ठीक है, नोट में मैं लिख देता हूँ एफ सी बिटवीन क्या होगा, टू टू लाइक लाइक चार्जेस इज क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्टिव, सॉरी ऑलवेज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव, ठीक है। एफ सी बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज ऑलवेज रिपल्सिव। एंड दूसरा क्या लिखोगे यहाँ, एफ सी बिटवीन क्या होगा, टू अनलाइक, अनलाइक का मतलब क्या होगा, नेचर, टू अन अनलाइक चार्जेस इज अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव इन क्या होगा, नेचर, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में हम देख लें। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से कि एफ सी फोर्स, आई मीन कूलम फोर्स एफ सी बिटवीन क्या होगा, बिटवीन टू पॉइंट, यहां मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इज यहाँ लिख सकता हूँ एफ, ऐसे लिखा भी था कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, क्यू वन क्यू टू, ठीक है। बी में क्या हमने लिखा था कि मैग सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगा, बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख सकते हैं एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थर्ड, जो ये पहले भी हम अपने को मालूम है, थर्ड क्या है कि नेचर ऑफ मीडियम क्या होगा, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम इन विच, इन विच चार्जेस आर क्या होगा, आर कैप्ट। समझ में आया ना, आई मीन उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है जिसमें क्या होगा, चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा था, समझ में आया ना, तो मीडियम पे भी क्या होगा, लेकिन देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करता है, समझ में आया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में यदि क्या करोगे, चार्ज को रखोगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तो ये ध्यान रखना है, तो इससे हम लिखेंगे, देखो जिसे मान लो कि दो चार्जेस कहाँ रखा गया है, क्यू वन क्यू टू, ठीक है, इनको हमने कहाँ रखा, फ्री स्पेस में रख दिया। यहाँ ध्यान देना,
ठीक है, तो इनके बीच जो कूलम फोर्स, यहाँ एयर लिख रहा हूँ, समझ में आया ना, कूलम फोर्स इन एयर इक्वल टू क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ और इसका वैल्यू भी रख, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो आर स्क्वायर। ठीक है, अभी फ्री स्पेस में रखा गया है, एफ एयर हो गया। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं कि नहीं इन दोनों चार्ज को कहाँ रख दिया, Q1, Q2, सेम सेपरेशन पे, फ्री स्पेस नहीं है बेटा, ये कोई मीडियम है, मीडियम वाटर भी हो सकता है, किरोसिन तेल भी हो सकता है, समझ में आया ना, ये कोई मीडियम रख दिया। ठीक है, समझ में आया क्या, किसी मीडियम को हमने क्या किया, किसी मीडियम में इसको रख दिया। तो यहां कूलम क्या होगा, एफ मैं मीडियम लिख रहा हूं, देखो एफ मीडियम, मीडियम का मतलब क्या हुआ, कूलम फोर्स इन एनी अदर मीडियम, इन एनी मीडियम अदर देन क्या होगा, फ्री स्पेस। तो यहां क्या होगा, देखो Q1 Q2 अपॉन क्या होगा 4 पाई इप्सिलन, ठीक है आर स्क्वायर, ठीक है क्या होगा इप्सिलन आर स्क्वायर, समझ में आई बात, क्या होगा इप्सिलन आर स्क्वायर। अब उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, तुम ध्यान से देखना यहां से, एफ एफ एयर के जगह हम यहां लिख सकते हैं, देखो क्यू वन क्यू टू, यहां क्या लिख सकते हैं, देखो एफ एयर, ठीक है इप्सिलन जीरो अपॉन हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, अच्छा इधर हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा है, ठीक है चलो इधर लिख देते हैं, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, को रिलेट करना है, ठीक है, तो किसी भी मीडियम में यदि फोर्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये भी जान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा। तो एफ मीडियम यदि लिखना है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द क्या लिखेंगे, ऑफ द मीडियम, ठीक है समझ में आया ना। एक होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, उसका भी मैं डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है, सो दैट, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या दिया रहेगा, परमिटिव एक्टिविटी अब तक क्या दिया रहेगा, मीडियम। अरे क्या हो रहा है भाई, अब देखो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है देखो कि परमिटिविटी ऑफ इप्सिलन, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज, देखो ध्यान से परमिटिविटी, आगे इसको पढ़ना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ में आया बेटा क्या होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कभी कभी देखो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं के से डिनोट करते हैं। तो के का जो वैल्यू होता है याद रखना है अलवेज क्या होगा, वन से क्या होगा बड़ा होगा, समझ में आया ना, के का जो वैल्यू होगा अलवेज क्या होगा, वन से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है ये ध्यान देना है। फ्री स्पेस के लिए म्यू आर का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, फॉर फ्री स्पेस इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और अदर एनी अदर मीडियम क्या होगा, वन से क्या होगा बड़ा होगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से बेटा लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू क्या होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, समझ में आया, देखो ध्यान से ये याद रखना है,
अब ए वाला के और इस के से के नट इक्वल टू, यहाँ याद रखना है के नट इक्वल टू 9 × 10⁻⁶ क्या होगा 9 जो मैंने लिखा था बेटा, समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों के क्या है अलग है। यहाँ जो मैंने लिखा है क्या है कूलम कॉन्स्टेंट है, और एक यहाँ जो के लिखा है क्या है अलग अलग है। इवन तो मैंने यूज कर लिया एक ही जगह ठीक है, क्योंकि मोस्टली बुक में 1/4 ε₀ को भी के यूज किया गया है ठीक है, ये बेटा ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ आई मीन फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा Q₁ Q₂ / 4 ε₀ r² × 1 क्या हो जाएगा के ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो F फोर्स इन क्या होगा एयर डिवाइडेड बाई क्या होगा K का वैल्यू बेटा क्या होगा एयर के लिए। तो यह ध्यान रखना है कि कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम अदर देन क्या होगा फ्री स्पेस विल बी क्या होगा लेसर देन द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एट द सेम डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि यहां देखो बेटा के का जो वैल्यू होता है कितना होगा, तो जब भी आपको किसी भी मीडियम में क्या करना है, क्या करना है फोर्स लिखना है, तो रिप्लेस मैं यहां लिख देता हूं, और कुछ कंडीशन भी होते हैं ठीक है कि कब हम यूज करते हैं इसको। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम विल बी क्या होगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बाई क्या होगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो यहाँ मैंने सब फॉर्मूला लिख दिया है ठीक है, और के का वैल्यू याद रखना है कि के का वैल्यू जो होगा क्या होगा के विल बी क्या होगा 1 फॉर क्या होगा फॉर फ्री स्पेस, एंड याद रखना है विल बी क्या होगा इंफिनिटी फॉर कंडक्टर ठीक है, कंडक्टर के लिए, और नियरली 81 किसके लिए होता है फॉर क्या होगा वाटर। समझ में आया बेटा, तो यदि के का वैल्यू क्या होगा, हम क्या रख दें के का वैल्यू यदि वाटर में रख दें तो देख सकते हो कि कितना टाइम क्या होगा कूलम फोर्स कम हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये ध्यान में रखना है, इसका मतलब क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ के विल बी क्या होगा लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ऐसे हम बोल सकते हैं ठीक है। के का मतलब क्या होगा याद रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, समझ में आया ना। तो फोर्स ऐसे मीडियम से के अनुसार क्या होता है चेंज होता है। तो हम लिख देते हैं नोट में, मैं लिख देता हूँ फोर्स फोर्स इन एनी मीडियम, ये नोट में लिख देता हूँ एनी मीडियम इज ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग इप्सिलन जीरो बाय क्या होगा इप्सिलन जीरो के, बस ये याद रखना है। जहाँ जहाँ इप्सिलन जीरो है वहाँ क्या करना है इप्सिलन जीरो इंटू के से क्या करना है, क्या करना है रिप्लेस कर देना है ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये थर्ड, तो कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द क्या होगा नेचर ऑफ द क्या होगा मीडियम इन विच द चार्जेस आर कैप्ट ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बेटा, देखो ध्यान से नोट में सेकंड पॉइंट भी लिख लेना कि मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा m1 m2 अब और इनको भी इनके बीच सेपरेशन क्या r है, तो fg जो होगा क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ fg जो होगा क्या होगा जी m1 m2 अपॉन क्या होगा r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन क्या होगा मीडियम ठीक है, समझ में आया, ये याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करना है अपने को ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या होगा,
ये याद रखना है कि कूलम फोर्स बिटवीन क्या होगा टू चार्जेस इज इनडिपेंडेंट विद द क्या होगा प्रेजेंस ऑफ क्या होगा थर्ड चार्जेस। ठीक है, समझ में आया ना। आई मीन दो चार्ज पार्टिकल के बीच आप कूलम फोर्स की बात कर रहे हो तो तीसरा चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या है फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। तो हम लिख सकते हैं कूलम फोर्स बिटवीन क्या होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। आई मीन दो चार्ज के बीच यदि कूलम फोर्स लिख रहे हो तो तीसरा चार्ज वहां है या नहीं है उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा कूलम फोर्स। अब देखो यहां हम बोल सकते हैं कि कूलम फोर्स जो होगा कूलम फोर्स क्या होता है कूलम फोर्स इज क्या होगा इज ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज कंजर्वेटिव इन क्या होगा इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। दैट इज वर्क डन बाय द कूलम फोर्स इन अ क्लोज लूप क्या होगा ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। दैट इज ये याद रखना है दैट इज क्या होगा वर्क डन बाय ये आगे समझ में आया वर्क डन बाय एफ सी कूलम फोर्स इन क्या होगा इन अ क्लोज्ड लूप विल बी क्या होगा विल बी ऑलवेज क्या होगा जीरो। ठीक है, दैट इज मैं बोलूं कि यहां से यहां। ठीक है, ध्यान देना ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है फाइनल है। यहां से यहां किसी चार्ज को मूव कराना है। ठीक है, तो कूलम फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा समझ में आया ए वन ए टू इसको डब्लू वन मान लें इसको डब्लू टू मान लें इसको डब्लू थ्री मान लें। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम क्यू वन टू सॉरी इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन अलॉन्ग थ्री डिफरेंट पाथ विल बी क्या होगा ऑलवेज सेम। ठीक है, तो कूलम फोर्स जो है वो क्या है कंजर्वेटिव नेचर का होगा। इसको मोर डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक तो ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो कूलम फोर्स फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कूलम्स फोर्स फॉर्म एक्शन एंड क्या होगा एंड रिएक्शन पेयर। आई मीन कूलम फोर्स जो है न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। समझ में आया ना। अब इसको थोड़ा सा हम देख लें एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन समझ में आया ना क्या होगा ये आपको मालूम है। देखो ये चार्ज क्या है क्यू वन है और ये क्या है क्यू टू है। ठीक है बेटा, इनको हमने क्या किया आर डिस्टेंस में रख दिया। अभी मैं मान लेता हूँ कि दोनों क्या है पॉजिटिव नेचर का ऐसे मैंने मान लिया। तो देखो इस पर जो फोर्स लिखोगे किधर लिखोगे देखो ध्यान से किधर लिखोगे इस पर क्यू वन पे फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे एफ वन टू। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन देखो एक मैं लिखता हूँ आर टू वन का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर फ्रॉम टू टू क्या होगा वन यही होगा ना बेटा क्या होगा या कैप में लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर। आर टू क्या होगा दिस इज फ्रॉम और दिस इज का मतलब क्या हुआ टू। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि
Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे R21 कैप। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यदि मुझे फोर्स इस पर लिखना हो, किस पे, इस पर फोर्स लिखना हो तो क्या करेंगे बता सकते हो आप? देखो यहाँ लिख सकता हूँ F21 और F21 का भी वैल्यू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? यहाँ मैं लिख देता हूँ F21 इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर। अगेन देखो इसका डायरेक्शन किधर है, 1 to 2 है, तो हम क्या लिखेंगे R12 कैप। समझ में आया? अब दोनों को ऐड करो तो क्या लिख सकते हो? F देखो तो F12 प्लस क्या होगा F21, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? देखो K, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो K, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, देखो R12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -R21, सही है। अरे ये समझ में आया तुम लोगों को? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल क्या होगा यूनिट वेक्टर है तो इधर मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 Q2 इंटू क्या हो जाएगा? देखो R12 माइनस क्या होगा R12, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, F12 प्लस क्या हो जाएगा F21 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं F12 इक्वल टू क्या होगा? -F21, ठीक है। हैंस क्या होगा? कूलम फोर्स होगा बिटवीन टू मासेस, बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया ना? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों चार्जेस पे जो डायरेक्शन लग रहा है फोर्स का वो क्या है? अलग अलग लग रहा है बेटा। समझ में आया ना? तो ये कूलम फोर्स के बारे में था। अब कूलम फोर्स कभी कभी ये भी होता है कि CGS यूनिट में भी हम लिख लेते हैं कि कूलम फोर्स के बारे में, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद थोड़ा हम कंपेयर करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नोट में लिख देते हैं, नोट में कूलम्स लॉ इन CGS यूनिट। समझ में आया बेटा? अब देखो कूलम फोर्स जो होगा, अगेन यहाँ क्या है, दो चार्जेज हमने कंसीडर कर लिया, Q1 क्या है Q2, इनको R सेपरेशन पे रख दिया, कहाँ? फ्री स्पेस में। ये केवल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ जब लिखोगे, यहाँ Q1 Q2 क्या है? CGS यूनिट। CGS यूनिट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, ठीक है। तो देखो FC जब लिखोगे, यहाँ हम क्या लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर, वेयर Q1 एंड क्या होगा Q2 आर मेजर्ड इन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और मैंने बताया था 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है 3×10⁹, ठीक है, ESE, यही होता है ना, ठीक है। ये क्या करना है तुमको ध्यान रखना है, और यहाँ याद रखना कि CGS यूनिट में इसका जो वैल्यू होता है के का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। समझ में आया ना? तो कूलम फोर्स यदि कोई पूछे कि CGS सिस्टम में क्या होगा तो याद रखना है Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर। समझ में आया ना? के का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कूलम फोर्स से रिलेटेड, तो जब भी बेटा आपसे कोई पूछे कि कूलम फोर्स को आपको लिखना है, तो अब कूलम फोर्स को हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या मैंने अभी यहाँ लिखा भी वेक्टर फॉर्म में ही कूलम फोर्स मैंने क्या किया था लिखा था। अब हम कंपैरिजन करेंगे, व्हाट इज द कंपैरिजन, ये आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स में कौन स्ट्रॉन्गर होता है और कितना स्ट्रॉन्गर होता है, तो आप कैसे उसको कंपेयर करके बताओगे। तो आई थिंक मैंने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होता है मच स्ट्रॉन्गर दैन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगला पॉइंट जो लिखना है क्या, कंपैरिजन बिटवीन क्या लिखोगे, कूलम फोर्स एंड क्या लिखोगे एंड ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन करना है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो बेटा, ए मान लो कि क्या है, यहाँ कोई पार्टिकल है, देखो ध्यान से, कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m1 m2 और चार्ज क्या है उस पर q1 क्या है q2 है, पार्टिकल है, समझ में आया ना। उनको क्या किया गया है, फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया गया है r पे, कहाँ, फ्री स्पेस या किसी भी मीडियम, फ्री स्पेस, समझ में आया, कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस। तो इनके बीच यदि कूलम फोर्स की मैं बात करूँ तो कूलम फोर्स कितना होगा बेटा, बता सकते हो, एफसी क्या होगा, के, ठीक है, Q1, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एफ जी इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, सही है, समझ में आया ना, एफ सी और एफ जी। अब यदि दोनों का हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, देखो ध्यान से, दोनों को डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं एफ सी अपॉन क्या होगा, एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन जी M1 क्या होगा, M2, यही होगा ना, ठीक है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ यहाँ केसेस कंसीडर, मान लो कि ये दोनों चार्जेज क्या है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैं कंसीडर करूँ, सपोज बोथ द चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर क्या होगा, आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेटा मालूम है कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थिंक मालूम होगा आप लोगों को, 9.1 × 10⁻² क्या होता है, -31 kg, सही है। चार्ज क्या हो जाएगा, q1 इक्वल टू q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹, समझ में आया, ठीक है। के का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, के अभी बताया था कि 9 × 10⁻² क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, मीटर पर फैराड मैंने बताया था, यूनिट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बाद में समझ में आ जाएगा। जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, 6.67 × 10⁻² क्या होगा, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², सही है, समझ में आया ना। तो अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो वैल्यू आप रख करके यहाँ कंपेयर कर सकते हो। देखो ये एचसी वर्मा में भी ये क्वेश्चंस दिया होगा, इवन एनसीईआरटी का भी बुक पढ़ोगे तो दिया होगा, समझ में आया। तो बेटा अब जब आप फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो एफ सी इज अपॉन क्या होगा, एफ जी इक्वल टू क्या लिखोगे, 9 × 10⁻² क्या होगा, 9 इंटू, देखो 1.6 × 10⁻² क्या होगा, -19 द होल स्क्वायर, ठीक है, मैं यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 6.67 × 10⁻¹⁹ इंटू 9.1 × क्या होगा, 9.1 × 10⁻¹⁵, सही है, समझ में आया। देखो इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा, तो एफ सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻², इसको ले जाओ ऊपर तो क्या जा 20, समझ में आया, इंटू 2.56 × 10⁻³⁸, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 6.7 मान लेता हूँ, ठीक है, इंटू इसको 1 है तो उसको कैंसिल कर दो, नियरली मुझे लिखना है तो इसको 81 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻² क्या होगा, -62, सही है, समझ में आया। अब यहाँ से तुम देखोगे 9 से 9 ए कैंसिल हो जाएगा, एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ जी, ठीक है। ये हम किसके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, देखो 2.56 × 10⁻² कितना हो जाएगा, 20 + 62 - 38 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6.7 × 9, ठीक है। तो एफ सी अपॉन क्या होगा, एफ जी इज इक्वल टू 2.56 × 10⁻² कितना होगा, देखो 82 - 38 डिवाइडेड बाई
ए थ्री, नाइन सिक्स जा कितना होगा 60। चलो ऐसे कर लेते हैं, सबसे अच्छा है, इसको मैं 7 लिख देता हूँ, तो 7 इंटू 9 अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ बेटा। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, और क्या करो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कंपेयर करके तुम खुद से लिख लेना नियरली, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ सी अपॉन क्या होगा एफ जी, जो आएगा वो कितना होगा, देखो 2.56 इंटू 10 रेज टू, उसको कैंसिल करो तो 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 63, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से एफ सी अपॉन क्या होगा एफ जी, नियरली मैं लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 256 अपॉन 63 इंटू कितना हो जाएगा 10 रेज टू 42। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ सी अपॉन क्या होगा एफ जी नियरली कितना हो जाएगा 10 रेज टू क्या होगा 42। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ सी क्या होगा एफ सी नियरली इक्वल टू क्या होगा 10 रेज टू 42 टाइम्स क्या होगा स्ट्रोंगर देन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा टू चार्ज पार्टिकल इज 10 रेज टू 42 टाइम्स स्ट्रोंगर देन क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि कूलम फोर्स कितना स्ट्रोंगर होता है किससे ग्रेविटेशनल फोर्स से। नियरली आप ऐसे रफली याद रख सकते हो कि आइदर क्या होगा कूलम फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स या टू प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नियरली आप 10^39 टाइम्स रफली आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। तो बेटा इसमें होमवर्क क्या है कि आपको क्या करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन क्या है टू प्रोटॉन्स क्या करना है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच कितना होगा उसका रेशियो आपको क्या करना है नोट कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या लिखना है कि कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच कितना होगा उसको आपको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और कैलकुलेट करके आप रफली क्या करो याद रखना कि रफली जो होता है 10^38 या 39 टाइम्स क्या होता है स्ट्रोंगर होता है कूलम फोर्स, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए इन जनरल कभी कभी हम क्या करते हैं कूलम फोर्स को क्या करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कूलम फोर्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, कई सिचुएशन में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया उस टाइप का प्रॉब्लम, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कूलम फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा, ठीक है। समझ में आया, तो देखो यहां तो उसको कंपैरिजन करके लिख लेना। अब यहां हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान से कि इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ शायद दिखाई इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है, पोजिशन ऑफ कूलम फोर्स, समझ में आया। तो ये अभी हमने देखा था, ठीक है, जैसे मान लो इसकी जरूरत है बेटा तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा फोर्स, क्या होगा फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होगा कूलम फोर्स बिटवीन, अभी मैंने लिखा था बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा विद द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्या होगा किसी भी पॉइंट मान लो कि यहाँ क्या है क्यू है कैपिटल क्यू है, समझ में आया, और आपको क्या करना है यहाँ Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन क्या है चार्जेज हैं इन सबके द्वारा क्या है फोर्स लिखना है क्यों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका R1
दिस इज आर टू, दिस इज क्या होगा, आई मीन आर थ्री, दिस इज आर थ्री, वेक्टर लिख लेना बेटा, और दिस इज क्या होगा आर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऐसे ही बोल सकते हो कि फोर्स ऑन एनी कूलम, फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय वन चार्ज एक्टिंग एट द वन टाइम, ठीक है, एट वन टाइम। आई मीन इसमें क्या होता है कि पहले आपको इसके द्वारा फोर्स लिखना है, तो ऐसे मानो कि ये सभी चार्ज क्या है, वहाँ प्रेजेंट नहीं है, कि वन के द्वारा आपने एफ वन लिखा, फिर एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर एंड सो ऑन, फिर क्या करो ऐड कर दो। तो मैं लिख सकता हूँ एफ सी नेट फोर्स क्या लिखेंगे, एफ वन प्लस क्या लिखेंगे, एफ टू प्लस क्या लिखेंगे, एफ थ्री प्लस क्या होगा एफ एन, समझ में आया। तो वेक्टर सम ऑफ क्या होगा ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू क्या होगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स ऑन क्या होगा क्यू वन। यहाँ मैंने लिख दिया कि नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ सम देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या है, तुमको जब भी फोर्स पूछा जाए तो तुम्हारा काम क्या होगा, कूलम्स लॉ यूज करके फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेना, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, और फिर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, अभी हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब देखो यहाँ तो हम देखो मान लो कि एग्जाम्पल अभी इस पर हम देख लेते हैं, फिर एक दो पॉइंट मैं नोट में भी लिखूंगा। देखो ध्यान से कि मान लो कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो ध्यान से, अभी मैं ये क्यू, ये क्यू वन है और ये क्या है क्यू टू है, ठीक है, और ये क्या है क्यू, कैपिटल क्यू है। अभी मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस है और ये क्या है प्लस है, यहाँ क्या होगा ये माइनस होगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक फोर्स किधर लग रहा है, देखो फोर्स ऑलवेज क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है, फाइन, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट, नेट फोर्स, नेट फोर्स जब भी लिख रहा हूँ तो नेट फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन माइनस क्या। अब बेटा ये याद रखना कि ये क्या है, फिक्स है, ये किसी तरह इस दोनों चार्ज को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है, समझ में आया। अब केवल ये तुमको ध्यान में देना है, देखो यहाँ एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि तुमको इस समझ में आ जाए कि यहाँ भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में मान लेते हैं बेटा ए क्यू एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ क्या है प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू और यहाँ मैंने क्या रखा प्लस क्यू, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आपको दोनों केस में क्या करना है, कैपिटल क्यू पे क्या करना है, फोर्स लिखना है। देखो ध्यान से फोर्स कैसे लिखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बेटा मैं ये मान लूँ, देखो ये इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बता सकते हो, देखो तो ये अपोजिट नेचर का है, आई मीन अनलाइक चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, किधर लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा, और अट्रैक्टिव आई मीन किवन जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इस पे वो इधर करेगा, अपने तरफ करेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ वन फोर्स, ठीक है। सिमिलरली यदि क्यू टू माइनस क्यू पे फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इधर करेगा, इधर करेगा, और इसको मैं लिख देता हूँ एफ टू फोर्स, ठीक है। तो आपको ये मालूम चल गया, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि तुम ड्रॉ कर दोगे एफ बी डी ऑफ क्या होगा माइनस क्यू, तो देखो यही माइनस क्यू है, इस पर एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इसका वैल्यू क्या है एफ, आई मीन इसका, इसको एफ वन है, दूसरा फोर्स किधर लग रहा है एफ टू है, ठीक है। ऑफकोर्स इनके बीच जो एंगल मालूम है अपने को कितना, 60 डिग्री मालूम है, समझ में आया क्या, कितना डिग्री मालूम है, 60 डिग्री मालूम है। अब आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, तो तुम आसानी से बेटा रिजल्टेंट लिख सकते हो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है एफ आर इक्वल टू कितना होगा बता सकते हो तुम, देखो एफ, पहले तो मैं लिखेंगे तो एफ आर का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू, और यहाँ यदि आप वैक्टर फार्मूला यूज करो तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस क्या होगा टू एफ वन एफ टू कॉस क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके तुम क्या लिख सकते हो,
यहाँ cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। तो देखो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि f1 square plus क्या होगा, f2 square plus f1 क्या होगा, f2। यहाँ वैल्यू रख दो। और यहाँ f1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, लिख सकते हो के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन क्या होगा a स्क्वायर। f2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन क्या होगा, a स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ वैल्यू रख दोगे तो यहाँ देखोगे। अब मुझे ये मालूम नहीं है, डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा, अब जो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसके तरफ क्या होगा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, यही क्या होगा, एफ आर। सिमिलरली यदि देखो तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव का मतलब क्या होगा कि अवे, तो Q1 किस पे फोर्स निकालना है, प्लस कैपिटल Q पे। तो Q1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, देखो इधर लगेगा अवे, ऐसे लगेगा F1। ठीक है, Q2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा F2। तो ऑफ कोर्स इनका जो रिजल्टेंट होगा इधर ही कहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, टूवर्ड्स, इधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। और यहाँ जो FR का जो वैल्यू लग रहा है, FR का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अभी मैंने बताया वही होगा, क्योंकि ई बी एंगल क्या है, 60 डिग्री होगा। तो ई बी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख सकते हो यहाँ। रेट से नहीं लिखो क्या, रेट, हाँ ठीक है, नहीं लिखो। यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, बताना यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, इसके सेंटर पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, इसका नेचर कुछ भी होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ दोनों हम सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, ये साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, ये यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, अगेन सेंटर है, यहाँ यूनिट रखा गया, इसका नेचर कुछ भी होगा आपको बताना है। देखो फिगर ए हो गया, फिगर क्या हो गया, बी हो गया, आपको क्या करना है, नेट फोर्स क्या करना है, क्यूनेट पे लिखना है। ठीक है, क्या करना है, क्यूनेट पे नेट फोर्स कितना होगा उसको क्या करना है अपने को लिखना है। और भी मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। याद है ग्रेविटेशन में हम पढ़े थे कि यहाँ केवल क्या रखा था, मैंने मास रखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू रख दिया, यहाँ मैंने कोई क्यूनेट चार्ज रख दिया, ये फिगर क्या हो गया, सी। ठीक है, दूसरा मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूँ, माइनस क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूनेट। ठीक है, ये फिगर क्या हो गया, बी। आपको क्या करना है, इन फिगर में आपको बताना है कि क्यूनेट पे नेट फोर्स कितना होगा, फाइंड क्या होगा, फाइंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंड नेट कूलम फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन क्यूनेट एज सोन। ठीक है, सोन इन द फिगर, फिगर्स ए बी सी एंड क्या होगा, एंड डी। बात समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। और तो तुम यहाँ बता सकते हो, अब मैं ये कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये सब इलेक्ट्रोस्टेट में, सॉरी ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग। ठीक है, अब चलो इसको कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, चलो फॉर द टाइम भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं। यहाँ मैं कोई देखो एक फोर्स इस पे, चलो इसको निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, क्यू नॉट को, तो एक फोर्स किधर लगेगा, देखो तो एक प्लस क्यू किधर एग्जर्ट करेगा, इधर। ये फोर्स मान लो क्या होगा, F1। ठीक है, अगेन ये प्लस क्यू फोर्स किधर एग्जर्ट करेगा, इधर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, और ये वाला प्लस क्यू किधर फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्योंकि यार अनलाइक चार्ज है तो अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। किस पे मुझे फोर्स निकालना है, माइनस क्यूनेट पे, तो ये प्लस क्यूनेट उसको अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो
अब फोर्स हो गया, अब बाई सिमेट्री ये क्या हो जाएगा, देखो F2 और ये क्या होगा F3, तो यहाँ लिख सकते हो कि F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा K Q Q नट अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, मैं इसको R मान लेता हूँ बेटा, ठीक है समझ में आया। अब तुम ध्यान से देखना, ऑलरेडी मुझे मैंने बताया F B D आप क्या हम ड्रॉ कर लें Q नट, ठीक है तो Q नट पे देखो एक फोर्स किधर लग रहा है F3 इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है कौन F1, और तीसरा फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है इन दोनों का देखो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 120 होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो किधर जाएगा इधर जाएगा, देखो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा F3, समझ में आया क्या F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा F3 हो जाएगा, ये समझ में आया बात कि F12 का मतलब क्या हुआ F12 आई मीन रिजल्टेंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड क्या होगा F2, ये ऑलरेडी हमने क्या किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी ग्रेविटेशन में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, इसलिए मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ यहाँ, ठीक है केवल आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है, ठीक है तो नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बोल सकते हो कि F नेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखो यदि मैं इसको प्लस मान लूँ या माइनस मान लो यार कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो इसको माइनस मान लो, तो देखो इसके द्वारा फोर्स किधर लाएगा इधर लाएगा, इसके द्वारा फोर्स किधर लाएगा इधर लाएगा, इनके द्वारा फोर्स किधर लाएगा इधर लाएगा, ठीक है तो अगेन इनका रिजल्टेंट, इसको मैं यदि F1 मान लूँ, इसको F2 मान लूँ और इसको क्या करूँ F3 मान लूँ, तो इनका इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो किधर लाएगा इधर लाएगा F12 इज इक्वल टू क्या होगा F3, समझ में आया ना क्या होगा F3 के क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड आई मीन डायरेक्शन सेम नहीं होगा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो ऐसे तुम लिख सकते हो, इसलिए यहाँ भी क्या होगा F नेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ ध्यान से इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, चलो इसको पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी मान लो, तो इनके बीच फोर्स इधर, ठीक है इनके बीच फोर्स इधर, इनके बीच फोर्स इधर, तो देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है और इधर तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी बोल सकते हैं एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ भी आप इसको निगेटिव मान लो, तो देखो इधर ए और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, फिर ए वाला फोर्स देखो इधर लगेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, आई मीन ए और ए कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो F नेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बेटा कीप द क्या होगा चार्ज इज प्रेजेंट एट द क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्री सिमेट्रिकल एंड क्या होगा व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल एंड एनी चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री विल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स, समझ में आया ना, तो यहाँ तुम लिख सकते हो कि नेट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑन एनी चार्ज प्रेजेंट एट द क्या होगा एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी या मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा मस्ट बी ऑलवेज ऑलवेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नितिन कितना टाइम हुआ, ठीक है कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और, पहले इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम
आपको मालूम है बेटा, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, देखो आईआईटी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, कि मैं बोलूँ कि सिस्टम ऑफ चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम, दिस मीन्स दैट कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज मस्ट भी क्या होगा, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हम उससे रिलेटेड देख लेते हैं कि यदि क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स, ठीक है, जीरो करेंगे, और जीरो करके हम उससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, एक से दिया हुआ है, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन सबमिटेड, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ ए क्यू 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 क्यू, ठीक है, मान लो ये क्या है, प्लस नेचर का है, हमने मान लिया है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, ठीक है, ये आईआईटी का है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे फोर चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इफ द सिस्टम ऑफ ऑल द चार्जेस शोन इन द फिगर आर इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द नेचर एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है, समझ में आया ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो कब आया हुआ ये एग्जैक्ट याद नहीं है, इन द क्या होगा, इन द शोन फिगर, ठीक है, इफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर ऑफ कैपिटल क्यू, ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर ऑफ कैपिटल क्यू, 5 मिनट, ठीक है, समझ में आया। देखो क्या है क्वेश्चन, समझ में आया कि फोर चार्जेज हैं जिनका वैल्यू क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, और उनको स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा गया है, और एक अदर चार्ज है क्या है, कैपिटल क्यू, जिसको सेंटर पे रखा गया है, और ये दिया हुआ है कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो आपसे पूछा गया है कि ये कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब क्या होगा कि कैपिटल क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यदि ये प्लस चार्ज हैं तो इसका वैल्यू प्लस नेचर जो होगा प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपको फिगर आउट करना है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, कि फॉर क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एफ नेट ऑन क्या होगा, ऑन एनी चार्ज मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना, आई मीन नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां मैंने क्या, एफ नेट ऑन एनी चार्ज मस्ट बी क्या होगा, जीरो, समझ में आया, पहला पॉइंट ये। अब बेटा देखो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे नहीं सर हम इस पे ही फोर्स जीरो कर देते हैं, क्या कोई फायदा होगा, यदि इस पे क्यू पे तो ऑलरेडी देखो तो फोर्स, नेट फोर्स अभी मैंने बताया था कि देखो ये चार्ज क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटर क्या है कि कोई एक चार्ज, क्योंकि ये दिया हुआ है कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, या इस चार्ज पे भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, और इस चार्ज पे भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, समझ में आया क्या। तो जिस चार्ज का क्या है,
वैल्यू कैलकुलेट करना है या उसका नेचर कैलकुलेट करना है, उस पर हम फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे। यदि उस पर फोर्स कंसीडर करोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आप उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए हम किस चार्ज को कंसीडर करेंगे, चलो हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो चार्ज वर्टेक्स पे है, ए पे है, उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। बेटा देखो, फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। समझ में आया? तो यहाँ अब देखो, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, ये लाइक चार्जेज हैं, तो ये क्या है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, मैं उसको एफ वन मान लेता हूँ। ठीक है, ये लाइक चार्ज है, ये भी प्लस क्यू 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 है। ठीक है, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स इधर लगेगा, इसको मैं एफ टू मान लेता हूँ, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको मैं एफ थ्री मान लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ ये भी तुम देख सकते हो कि F1 इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऑफकोर्स F12 का मतलब क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट ऑफ क्या होगा, देखो F12 का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड मैंने क्या मान लिया, लिख सकते हो यार, देखो F12 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, F12 इक्वल टू क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट रूट 2F हो जाएगा, F नट मान लो। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स इस चार्ज पे किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, डायगोनली क्या हो रहा है, अवे लग रहा है सेंटर से। ठीक है, समझ में आया, डायगोनली किधर लग रहा है, इधर। अब इस चार्ज के द्वारा आप बताओ इस पे नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, नेट फोर्स जीरो कब होगा बता सकते हो बेटा, देख करके अभी तुम बता सकते हो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, बताओ कि इसके द्वारा इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए, इसके तरफ लगना चाहिए। आई मीन क्यू का जो नेचर होना चाहिए, कैपिटल क्यू का नेचर जो होना चाहिए, स्मॉल क्यू के अपोजिट नेचर का होना चाहिए। समझ में आया ना, तभी क्या हो सकता है, फोर्स जो हो सकता है वो नेट फोर्स इस पे क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। समझ में आया ना, आई मीन यदि ये मैं लिख दूँ कि ए वाला जो फोर्स होगा एफ, ठीक है, एफ का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन क्या होगा, क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू क्या होगा, इधर होगा, तभी क्या होगा इस पे नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ स्मॉल क्यू विल बी क्या होगा, विल बी इन क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम इफ क्या होगा, नेचर ऑफ क्यू विल बी क्या होगा, विल बी अपोजिट टू द क्या होगा, टू द नेचर ऑफ क्या होगा, नेचर ऑफ प्लस क्यू। समझ में आया ना, आई मीन यदि प्लस क्यू है तो इसका नेचर क्या होगा, माइनस क्यू आना चाहिए। अब यहाँ फोर्स इक्वेट कर सकते हो, देखो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू क्या होगा, रूट टू एफ प्लस क्या होगा, एफ थ्री, और एफ का वैल्यू रखो के क्यू, क्यू अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ थ्री कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करना, याद रखना ये प्लस क्यू है, यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो लास्ट में आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा, इसका यदि मैग्नीट्यूड ऑप्शन दिया है तो ठीक है, नहीं तो साइन के साथ क्या होगा लिखना पड़ेगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया बेटा, के से के कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचेगा, क्यू, ठीक है, टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू रूट टू, ठीक है, टू रूट टू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वन क्यू, तो क्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है,
अपॉन टू भी होगा यहाँ टू, तो q का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, टू रूट टू प्लस वन क्यू बाई क्या हो जाएगा फोर। ये मैग्नीट्यूड हुआ, दिस इज मैग्नीट्यूड, और साइन के साथ कोई पूछे तो क्या बताओगे, माइनस। ठीक है, समझ में आया ना, टू रूट टू प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा फोर इंटू क्या हो जाएगा। तो बेटा ये आईआईटी का आया हुआ क्या है क्वेश्चन, इसी पे एक होमवर्क देता हूँ, उसको घर पे ट्राई करना तुम लोग। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं प्रॉब्लम को। देखो और हम क्या कर रहे हैं, एक इसी पे एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ होमवर्क, उसको तुम लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या है, q q q, चलो यहाँ इस बार मैंने माइनस रख लिया, और यहाँ क्या है, कैपिटल Q चार्ज है, साइड लेंथ क्या है, फाइंड द क्या होगा, फाइंड द क्या होगा, द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड एंड नेचर ऑफ क्या होगा Q, कैपिटल Q, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एज सोन इन द क्या होगा, इन द फिगर। एक क्लास और केवल हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। ठीक है, तो ये तुम क्या करना, इसको ट्राई कर लेना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू। तुम लोग लेक्चर प्रॉपरली देखो, नोट्स देखो, कुछ नहीं करना है, पूरे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ, केवल अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला वही है, केवल क्या है, चार्ज और मास इंटरचेंज है, और के और जी का वैल्यू हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में बस इतना ही, प्रॉपर लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, और कोई डाउट्स हो तो तुम सेंड करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।